नर्मदा नदी में बनने वाले राघोपुर मरवारी बांध का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और बांध निर्माण निरस्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में आदिवासी पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपर नर्मदा परियोजना के तहत नर्मदा नदी में बनने वाले राघोपुर मरवारी बांध के सर्वे का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जबलपुर अमरकंटक मार्ग के टिकरिया गांव में चक्का जाम कर दिया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर करीब 3 घंटे लंबा जाम लगा रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। ग्रामीणों की मांग है कि नर्मदा नदी में होने वाले बांध निर्माण को निरस्त किया जाए। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष अमर सिंह मार्को ने कहा कि शासन प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहा है। टोटल आदिवासियों का गांव है, उस गांव को यहां पर उजाड़ने का यह पूरा जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर श्रेय जाता है। इसको अगर जब तक अगर निरस्त नहीं की जाती है, उग्र आंदोलन की आगे कार्रवाई या तैयारी होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और मध्य प्रदेश में हम संपूर्ण जितने भी हमारे 52 ग्राम के जो लोग हैं मरवारी रागों पर डूब प्रभावित किसान, हम पूरे मध्य प्रदेश में यही प्रचार करेंगे कि श्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के खिलाफ है। आदिवासियों के तहत अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ छलावा कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी 52 गांव के किसान लोग हैं, और ग्राम पंचायत में जो कार्य चल रहे थे उनको भी शासन के द्वारा रोक लगा दिया गया है। तो मजदूरी से भी हाथ धो रहे हैं, विस्थापन किया जा रहा है बांध बनने से, और लोग बाग जो है इधर पलायन भी कर रहे हैं काम न मिलने से। वहीं इस मामले में डिंडोरी के भाजपा अध्यक्ष अवध राज विलैया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी ग्रामीणों के साथ खड़ी है। वो इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बांध निर्माण रोकने की अपील करेंगे। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। और बांध नहीं बनने के लिए जनता चाह रही, तो जनता के अनुरूप जनता यदि चाह रही है तो बांध नहीं बनना चाहिए, तो बांध को निरस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया, जिसका पत्र मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। माननीय इसकी डिजिटल कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेज दी है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 consecutive ईयर्स, जहाँ है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।